शहर के आसपास से ग्रामीण क्षेत्रों में बड़े पैमाने पर हो रहे अवैध खनन के खिलाफ शुक्रवार को पुलिस ने माइनिंग और आरटीओ के साथ मिलकर संयुक्त रूप से अभियान चलाते हुए कार्रवाई की। टीम ने कार्रवाई करते हुए अवैध खनन के मामले का खुलासा करते हुए 8 वाहनों को जब्त किया। इनमें डंपर और ट्रैक्टर शामिल है। सहायक पुलिस अधीक्षक मनीष चौधरी ने बताया कि लंबे समय से शिकायतें मिल रही थी कि अवैध माइनिंग कर डंपर और ट्रैक्टर शहरी क्षेत्र से सप्लाई करते हैं, जिस पर शुक्रवार देर शाम को टीम ने रेकी करते हुए अवैध रूप से खनन कर पत्थर ले जाते हुए 8 डंपर और ट्रैक्टर जब्त किए। पुलिस तथा माइनिंग ने मामला दर्ज कर जाँच शुरू कर दी है। आज में पिछले कुछ टाइम से खबर आ रही थी कि आसपास के एरिया के अंदर जो है इलीगल माइनिंग हो रही है, और जो इलीगल जो माइनिंग करके ट्रैक्टर और जो डंपर वगैरह ये ब्यावर सिटी के अंदर एंटर होते हैं और यहाँ इधर उधर खाली करते हैं। तो हमने जो है टीम लगा के और रेकी करवाई, और सुबह से ही हमारी टीमें लग गई थी अलग अलग एरिया के अंदर, और हमने करीब 8 डंपर और ट्रैक्टर अभी सीज़ किए हैं। और एक संयुक्त टीम हमने बनाई जिसमें माइनिंग के अधिकारी भी थे और आरटीओ के अधिकारी भी थे और पुलिस भी इन्वॉल्व थी इसमें। ब्यावर शहर में राजस्थान का पहला विश्व स्तरीय अमेरिका जापान जर्मन की मशीनों द्वारा आंखों की जांच मोतियाबिंद के ऑपरेशन डॉक्टर मोरे आंखों के अस्पताल में किए जाते हैं। जर्मन की लेजर मशीन से आंखों के लेंस की सफाई एवं काला पानी की जांच की जाती है। मोतियाबिंद का ऑपरेशन एल्पिस माइक्रोफेको तकनीक द्वारा बिना चीरा बिना टांका बिना सुई के ट्रॉपिकल से फोर्डेबल मोनोफोकल से मल्टीफोकल एवं टॉरिक लेंस प्रत्यारोपित किए जाते हैं। मिलने का स्थान ओपीडी सोमवार से शनिवार सुबह 9:30 बजे से 1 बजे तक। तो पता नोट कीजिए, डॉक्टर मौर्य आंखों का अस्पताल मोतियाबिंद स्पेशलिस्ट हॉस्पिटल, डॉक्टर मौर्य आंखों का अस्पताल अजगर बाबा थान के पास सेंद्रा रोड ब्यावर। डॉक्टर मौर्य एमएस फेको सर्जन, 9 गोकुल नगर कटारिया कॉलोनी के पास गणेशपुरा रोड ब्यावर। मोबाइल नंबर 94142-64461।